देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देख लीजिएगा ट्रिगो की क्या है, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। एग्जाम में आती रहती है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम है इफ अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कुछ प्रूव करना है। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, समझ लीजिएगा। सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c, therefore a cos alpha plus b sin alpha is equal to c and a cos beta plus b sin beta is equal to c, is that okay bhai, please tell me। दोनों को subtract कर लीजिए, ये 1 ले लो ये 2 ले लो, तो 1 minus 2 कर लो, सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि दोनों की सेम साइड सेम है, तो a टाइम्स ऑफ कोस अल्फा माइनस कोस बीटा आ जाएगा प्लस b टाइम्स ऑफ आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अप्लाई सी डी फॉर्मूला, माइनस टू ए साइन माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू प्लस टू बी कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा भाई, प्लीज टेल मी। अगर इनको इक्वेट करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 2b cos अल्फा प्लस बीटा बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल टू 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये जीरो नहीं होगा। तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, प्लीज टेल मी, बोलो भाई। और साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो टेन की टर्म में होता है टू टेन अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय टू, क्योंकि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन की टर्म में होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास वैल्यू अवेलेबल है तो डाल दीजिए, टू ए बाय बी एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा टू ए बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है, समझ में आ गया आप लोगों को भाई ये, बोलो। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखिएगा अब कुछ और स्पेशल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। देयर इज अ प्रॉब्लम
that I want to discuss with you, and please see this problem carefully. Problem is like that. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0, prove that cos 3 alpha cos 3 beta cos 3 gamma is equal to 12 cos alpha cos beta cos gamma. Is that okay bhai? Bolo. Ek kaam kariye, aap mujhe bataiye cos 3 theta ka formula kya hota hai. What is the formula? 4 cos cube theta माइनस 3 कोस थीटा, यही होता है बेटा. प्लीज टेल मी. ओके, नाउ कंसीडर कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा कोस 3 गामा. इसमें सब में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो. 4 कोस क्यूब अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा, आर यू गेटिंग इट, प्लस 4 cos cube beta minus 3 cos beta plus 4 cos cube gamma minus 3 cos gamma. Can I write this as 4 times of cos cube alpha cos cube beta cos cube gamma minus thrice of cos alpha प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा. बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज जीरो. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब अल्फा कोस क्यूब बीटा प्लस कोस क्यूब गामा. प्लीज रिकॉल द आइडेंटिटी दैट अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता था तो वो क्या इंप्लाई करता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता था? थ्राइस ए बी सी के बराबर होता था या नहीं होता था? अगर यहां पर मैं ए ले लू कोस अल्फा, बी ले लू कोस बीटा एंड सी ले लू कोस गामा, तो हमारा काम हो गया. व्हाट इट विल बी? 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा. प्लीज टेल मी, हो गया प्रूव भाई? बोलो. तो दैट इज व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन. तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस प्रॉब्लम. चलिए एक और कराते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो भी ध्यान से समझिएगा. उसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं. समझिए प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है. कहता प्रूव दैट कोस क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब 2π/3 प्लस एक्स प्लस कोस क्यूब 4π/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ कोस 3x. ये प्रूव करना है. यहां एक बात समझ लीजिएगा, हमने पढ़ा है फॉर्मूला कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा. हमने क्या पढ़ा है? इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. कैन आई राइट दिस एज कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा? प्लीज टेल मी. I will use this as identity. बोलो भाई, can I use it? तो देखिए इसको use करेंगे तो देखिए क्या conclusion निकलेगा. समझो भाई, तो LHS ले लीजिए, ये बन गया cos 3x plus 3 cos x अपॉन 4.
अब अगले वाले एंगल का थ्राइस करूंगा तो कितना आएगा, कॉस 2π/3 को 3 से करते 2π+3x प्लस 3 कॉस 2π/3 प्लस एक्स अपॉन 4, इज दैट ओके भाई, प्लीज टेल मी। अगला आ जाएगा कॉस 4π+3x प्लस 3 कॉस 4π/3 प्लस एक्स अपॉन 4, इज दैट ओके, प्लीज रिप्लाई। अब मुझे बताइए कॉस 2π+x क्या बचेगा, कॉस 3x, कॉस 4π+3x भी क्या बचेगा, कॉस x ही बचेगा। 1/4 पूरा कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ये सारे कॉस, क्योंकि ये कॉस 3x थ्राइस हो जाएगा भाई, क्योंकि कॉस आप कह सकते हैं 2nπ+θ इज ऑलवेज कॉस थीटा। हाँ जी रिप्लाई करो। ओके तो देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी 3cos 3x प्लस 3cos x प्लस 3cos 2π/3 प्लस एक्स प्लस 3cos 4π/3 प्लस एक्स, इज दैट ओके। ये दो बार तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं तो पूरे में से 3 कॉमन ले लो, 3/4 आ जाएगा बाहर। इन दो में लगा लो सीडी फॉर्मूला तो क्या आएगा, 2cos दोनों का सम करेंगे 6π, देखिए 6π आ जाएगा और साथ में आ जाएगा cos 6π+3 ये आ गया हमारा 6π+3, कितना आता भाई 6π+3 जल्दी बोलो, 2π, तो 2π+2x/2 यहां से आ जाएगा cos -2π/3, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर ऊपर नीचे, तो cos पाई प्लस एक्स क्या बचेगा जल्दी बोलो भाई। हाँ जी ये cos x और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो -2cos x और cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई बोलो, -½। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई, एक मिनट देखिएगा जरा, ये जरा सिंपलीफाई कीजिएगा, दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा भाई। हाँ जी एक मिनट रखिएगा, यार ये हमने हाँ तो यही रहा cos पाई प्लस एक्स, और डिफरेंस कितने का आएगा, टू पाई और इसका डिफरेंस कितने का आएगा भाई जरा देखिए जरा एक बार, 2π/3 अच्छा यार अपॉन 2 भी है, यार अपॉन 2 भी है, प्लीज सी अपॉन 2 हमने यहाँ नहीं किया था, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 आएगा, तो cos पाई बाय 3 आएगा, प्लीज मेक इट लाइक दैट, तो cos पाई बाय 3 कितना आएगा बोलो भाई, वन बाय टू, तो ये कैंसिल इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो 3/4cos 3x क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी। तो
ये क्वेश्चन भी हो गया, डन। इतना रख लो भाई आज के लिए, इतना ही रख लो क्योंकि बच्चे भी कम हैं, तो मैंने मगर चलो। अरे अब आपने देख लिया होगा कि पिछली 2-3 क्लासेस से जो क्वेश्चंस हुए सारे बड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हुए हैं। हाँ जी, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।